मध्य प्रदेश के दमोह में प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म में हिजाब को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर दिखाए, जिसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए यूनिफॉर्म से हिजाब को हटा दिया है। इसके अलावा अब सुबह की प्रार्थना में केवल राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा, लब पे आती है दुआ जैसे गीत नहीं गाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर जांच के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। गंगा जमुना स्कूल ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र जारी कर इस घटना पर खेद जताया है। स्कूल प्रबंधन ने अब ड्रेस कोड में स्कार्फ को ऐच्छिक कर दिया है। इससे पहले स्कार्फ स्कूल के ड्रेस कोड में अनिवार्य था। सीएम शिवराज ने दो टूक कहा कि दमोह के स्कूल में जो हुआ, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी, ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने क्या कहा है। अभी कल मुझे पता चला दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ, ये नियम बना दिया। और पता नहीं कौन सी उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया, उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी जो शिक्षा नीति लागू की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा। वो ही शिक्षा नीति लागू होगी और उसके खिलाफ अगर कोई स्कूल में दूसरी गलत चीज पढ़ाएगा या किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा, तो ऐसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा। ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने देगा।